आज का रात्रि क्लास है। दो पांच 1964 कोई मरते हैं तो वो समझते हैं कि वो कोई बैकुंठ या स्वर्ग में जाते हैं, परंतु नहीं, जो मरेगा वो यही इसी दुनिया में पुनर्जन्म लेगा। जब स्वर्ग होगा तो पुनर्जन्म वहां स्वर्ग मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई कलयुग का मनुष्य स्वर्ग में जाकर के जन्म ले ले, ले ही नहीं सकते हैं। जब परमपिता परमात्मा बाप जो रचयिता है वो सतयुग की स्थापना करे, तब ही मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। तो इसलिए तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। परमपिता परमात्मा ही सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग अभी खत्म होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो सत्संग सिर्फ यहाँ होता है जिससे सतयुग की स्थापना होती है, बाकी जहाँ भी है इस दुनिया में वहां सभी झूठ का संग है। क्योंकि ये साधु संत महात्मा सभी झूठ बोलते रहते हैं और हर एक बात झूठ बोलते हैं। बाबा ने समझाया है कि पहली बात, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये ही झूठ है। तो बस पहले नंबर में पहली बात झूठ, तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सब बातें झूठी। और जब सच होगा तो फिर सच ही सच, क्योंकि सत्य की रचना सच्ची कही जाती है। झूठ रावण की रचना झूठी कही जाती है। तो आधा कल्प है रावण की रचना, वो है झूठ, और आधा कल्प होती है सच की रचना, वो है सच्चखंड, अर्थात सच ही सच। तो देखो, ये भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। पुराना खंड है, तमो प्रधान हो गया है। तो ये ठीक है ना, क्योंकि हर एक वस्तु जब सतो प्रधान है तो सत्य है, और फिर अंत में वो ही तमो प्रधान हो जाती है। तो इस समय में ऐसे ही ये कलयुग है। तो तमो प्रधान है, यहाँ तो ये पढ़ाई है ना, सो दुनिया में जहाँ तहाँ जो भी सत्संग होते हैं,
रावण की कथा फलाना, उसे कोई पढ़ाई थोड़ी ही कहा जाता है। क्योंकि पढ़ाई की हमेशा कोई न कोई अहम ऑब्जेक्ट होती है। कि हमें ये पढ़ाई पढ़ने से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फलाना बनना है। पढ़ने से हमको कौन सा पद मिलेगा? बैरिस्टर बैठ करके पढ़ाएगा तो वो जानते हैं कि हम बैरिस्टर बनेंगे, क्योंकि जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। इंजीनियर होगा तो वो समझेगा कि ये पढ़ाई पढ़ने से मैं इंजीनियर बनूंगा। और यहाँ तुम समझते हो कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, हम तो मनुष्य से देवता बनेंगे। इसलिए ही पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट है पढ़ाई में ही एम ऑब्जेक्ट होती है। इस सत्संग में ये है, दूसरे सत्संगों में कभी कोई नहीं कहेंगे कि हम सत्संग से सन्यासी व शास्त्रकार शास्त्री या विद्वान बनेंगे, होता ही नहीं है। कभी कोई जाकर के पूछे कि सत्संग में भले कोई भी हो, भी बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े सन्यासी हो, उनसे पूछें कि आपकी ये कथा वार्ता वगैरह सुनने से हमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, यही कह सकेंगे। वो क्या कहें बेचारे? न मुक्ति को जानते हैं, न जीवन मुक्ति को जानते हैं। तो वो कहेंगे कैसे? अगर कोई जानता हो तब तो बहुत जान जावे, एक से ही बहुत जान जावे। परंतु एक भी नहीं जानते हैं, तो कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये सभी समझने की बातें हैं। तुम जानते हो कि हम पुरुषार्थ करते हैं, नापास भी हो सकते हैं। वहां सत्संग में जाओ तो वहां पास और नापास की कोई बात ही नहीं होती है। ऐसे नहीं कहेंगे मैं यहाँ कोई फलाना पद पाने के लिए पुरुषार्थ करता हूं अथवा पीछे पा सकूंगा या ना भी पा सकूंगा, क्योंकि ऐसा तो कोई भी सत्संग कहां भी नहीं है, यहां है। तुम जानते हो कि कितने मार्क्स से हम पास हो सकते हैं और कितना ऊंचा पद लेंगे? परंतु ये पद कहां लेंगे? सतयुग में लेंगे। ये पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये आत्मा की पढ़ाई है। वो पढ़ाइयां जिस्मानी होती हैं,
वो जिस्म एक जन्म के लिए होता है, वो पढ़ाई भी एक जन्म की होती है, तुम्हारी आत्मा की पढ़ाई है। इस ज्ञान का नाम ही है आध्यात्मिक ज्ञान। अधि कहा जाता है अंदर को, अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान। वो दुनिया में पढ़ाइयां पढ़ते हैं, मनुष्य पढ़ाते हैं, जिस्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं एक जन्म के लिए। तुम यहां के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम वहां के लिए पढ़ते हो। फ्यूचर है 21 जन्म के लिए पढ़ते हो, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो यहां और वहां का बहुत फर्क है। ये है मनुष्य सृष्टि और वहां है मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम। तो तुम पढ़ते हो वहां के लिए, न कि यहां के लिए। नई दुनिया के लिए तुम पढ़ते हो, और नई दुनिया के लिए पढ़ेगा भी कोई कोटों में एक। जैन भी है कोटों में कोई, कोई में कोई, क्योंकि वो है ही स्वर्ग अर्थात सुखधाम। इस नरक की दुनिया की आबादी बहुत होती है, और सुखधाम में तो बहुत थोड़े होते हैं। तो सभी तो सुखधाम में नहीं आ सकते, एकदम सभी नहीं आ सकते। 2564 की वाणी का दूसरा पेज अगर विचार करो, सुखधाम या सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, और अभी नरक में कितने मनुष्य हैं। नरक में तो ढेर के ढेर हैं। तो सभी को इस स्वर्ग में थोड़े ही आ जाएंगे। जब भारत स्वर्ग था तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी भारत नरक है तो बहुत मनुष्य हैं। अब नरक किसने बनाया? शिव बाबा जो सही स्थिति में सदैव रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। सही स्थिति वाला ही स्वर्ग बनावेगा। शिव बाबा भी धर्म पिता है ना, वो स्वर्ग बनाता है। और उस नरक की दुनिया के धर्म पिता है अब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो मनुष्य है, नर है ना, तो नर क्या बनावेगा? नर नरक ही बनाता है। और वो नरक बनाने वाले ढेर के ढेर हैं।
नरक में रहने वाले भी ढेर के ढेर और बनाने वाले भी ढेर के ढेर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। वाद खाई है, पुनर्जन्म लेते लेते वाद खाई गई है। अभी देखो कितने बढ़ गए हैं, जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है और हैं भी निर्धन के, बिच्छू टिंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जन्म लेती रहते हैं। तो बिच्छू टिंडन का काम क्या है? एक दूसरे को काटना, पाप ही करते रहते हैं। एक दो को मूत ही पिलाते रहते हैं, विख पिलाते हैं। और जितना जितना विख पाई बनते जाते हैं, उतना क्रोध ही बनते जाते हैं। क्या क्या करते हैं, इसलिए इसको ही कुंभी पाक नरक भी कहा जाता है। एक दो को बहुत दुख देते हैं, बच्चे बाप को दुख देंगे, भाई भाई को दुख देंगे, मित्र मित्र को दुख देंगे, सभी संबंधी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। देखो चारों तरफ में एक दो की दुश्मनी ही दुश्मनी है। तो इस युग का नाम क्या है? कलयुग नहीं, कलह युग। दुश्मनी में क्या होता है? कलह कलेश ही होता है। तो नाम रख दिया है कलह युग। सतयुग में ये सब बातें नहीं होती, कोई झगड़ा टंटा नहीं। सतयुग में हम अपनी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, क्यों है? कारण क्या है? है वहां देह का बंधन नहीं है, पांच तत्वों का बंधन आत्मा को बांधता नहीं है। दुख के बंधन में आत्मा स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती है। तो बाबा ने समझाया है ना, ये जो सत्संग होते हैं इनका आधार क्या है? इन सत्संगों का आधार है शास्त्र। तो शास्त्रों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और तीर्थों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अभी भारत में तो पैसा ही नहीं है, भारत कंगाल हो गया है। नहीं तो पहले पहले भारत कितना साहूकार था, हीरे और सोने के महल बनते थे,
अभी देखो एकदम कुछ भी नहीं है, फूटेली गवर्नमेंट है, कंगाल गवर्नमेंट। नहीं तो पहले भारत कितना साहूकार था, भारत में हीरे के महल बनते थे, आजकल भारत में भीख मांगते रहते हैं। अभी देखो समझ तो बिल्कुल ही नहीं है, तो बाप बैठ करके सभी बातें बच्चों को समझाते हैं, हर एक बात में भी कोई न कोई समझे, नहीं समझे तो बाप से पूछे, और फिर बाप समझाते हैं तो न समझने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का क्वेश्चन है जो समझना है, और वो तो समझना ही है। बाप तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की बातें यथार्थ रीति आकर के समझावेंगे, क्यों बाप ही क्यों समझावेंगे और क्यों नहीं समझा सकते, क्या कारण है? ज्ञान का सागर भी क्यों है? ज्ञान सागर है या ज्ञान सूर्य? यथार्थ रीति आकर इसलिए समझाते हैं कि वो सुप्रीम सोल ही एक ऐसी आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, और हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। अब क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि 5000 वर्ष की है, तो जो बीज रूप गाया जाता है उनको सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप भी कहते हैं। क्योंकि सत्य भी तो है, और चैतन्य भी है, परंतु जब वो यहाँ आएंगे तब तो हमको सत्य बनाने का रास्ता बताएंगे। सत्य धाम का वर्षा देंगे, क्योंकि तुमको तो सत्य बनना है, क्योंकि अब सच्चे खंड में चलना है। और वहां नई दुनिया में देवी देवताएं बिल्कुल सच्चे होते हैं, वहां झूठ होता ही नहीं। तो आए हैं तुम बच्चों को सच्चे खंड का सच्चा मालिक बनाने के लिए, तो भी देखो कितने का मालिक, सारे विश्व का मालिक। वहां तुमको कोई भी डर नहीं होगा, और यहां है, वहां तुम विश्व के मालिक बनते हो, डर की कोई बात नहीं, और वो विश्व के मालिक है यहाँ,
है, डर है या नहीं है? बहुत डर है। तो वहां देखो निडर राज्य होगा, यहां इस दुनिया में तो देखो कितना डर है। कि कोई हमारी कुर्सी न छीन लेवे, या हमारे राज्य में चढ़ाई न कर देवे। वहां सत्युगों में तुम्हारे ऊपर कौन चढ़ाई करेगा? तो देखो अब तुमको कितना निर्भय रहना चाहिए। क्यों? भय का कारण क्या है और निर्भय रहने का कारण क्या है? है? अरे कुछ कारण तो होगा। क्या कारण है? अरे भय का कारण है देहभान, और निर्भय होने का कारण है आत्माभिमान। आत्मा न कटती है न मरती है। कटती मरती है क्या? और देह, देह कटती है तो शरीर को मारते हैं। तुम आत्मा को थोड़ा ही मारते हैं। जो तुम डरते हो, तो बाबा को भी निर्भय कहते हैं। तुम बच्चों को भी कितना निर्भय होना चाहिए? और ये निर्भय होने की बड़ी भारी मेहनत है, है? ये मेहनत किसी ने पूरी कर ली है? कोई नहीं कहेगा कि अभी हमने निर्भय होने की, आत्मिक स्थिति में सदा रहने की प्रैक्टिस पूरी कर ली। बड़ी समझ की बातें हैं, क्योंकि बाप भी निर्भय और तुम भी निर्भय बने। खुद ही बताएं अपन को निर्भय क्यों समझते हैं? बोलते हैं ये शरीर को मारते हैं, गोली लगती है, मेरे को थोड़ी ही गोली लगनी है। मैं तो अभी जा रहा हूं बाबा के पास, और गोली लगेगी तो विनाशी शरीर को लगेगी या विनाशी आत्मा को लगेगी? अभी अर्थक्वेक होगा, तो अर्थक्वेक में मेरा शरीर जाएगा या आत्मा जाएगी? भले अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो जाए, हम तो बाबा को याद करते हैं। और हम तो बाबा को याद करते हैं तो बाबा के पास ही जावेंगे। दो पांच चौसठ की वाणी का तीसरा पेज। तो हमको इस मरने करने आदि की बातों का कोई डर नहीं है। भले अर्थ केक हो जाए, फलाना हो जाए, तो देहबान में रहने वालों को तो डर होता है। आपने कहा हम तो बैठे हुए हैं, हम तो बाबा के पास जाते हैं। अच्छा,
ये छत गिर जावे तो गिर जावे। हम बाबा की याद में बैठे हैं तो अंत मते सो गते हो जावेगी। और अभी तुमको ऐसा निर्भय तो होना ही है, परंतु ऐसा निर्भय होने में टाइम लगता है। क्यों क्यों टाइम लगता है, है? क्योंकि 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देहभान में रहने की, तो आत्माभिमानी बनने में टाइम तो लगेगा। और इस दुनिया के इतने ढेर के ढेर मनुष्य, कोई सब थोड़े ही आत्माभिमानी बन सकते हैं। सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निर्भय बन सकते हैं क्या? है? नहीं बन सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनेंगे। तुम हो जगदम्बा की बच्ची, शिव शक्ति सिर्फ एक की ही तो महिमा नहीं है ना, उनके साथ तुम भी हो। कोई एक थोड़े ही काम कर सकती है, सारी सेना चाहिए। हाँ, सेना की ईमानदार जरूर है, कौन है? जगदम्बा। और तुम है, तुम हो सेना के कमांडर, है? सिर्फ कमांडर है या कमांडर इन चीफ, मार्शल, क्या हो? है? अरे क्या लक्ष्य लिया है? कमांडर इन चीफ बनने का लक्ष्य लिया है। यहां भी सेना का कोई कमांडर इन चीफ होगा ना, उस दुनिया में तो देश देश में सेनाएं होती हैं, उनके कमांडर इन चीफ होते हैं। गवर्नमेंट की भी सेना है, वो है जिस्मानी सेना, और तुम हो रूहानी सेना। तो रूहानी सेना में भी तो कोई कमांडर इन चीफ होगा ना। शक्तियों का भी कोई होगा, कन्याओं का या माताओं का। तो तुमको ये रूहानी दिल सिखलाने की है। ये है तुम्हारा कमांडर, इस युद्ध के मैदान में ये कमांडर दिखाता है कि माया से कैसे जीत पहनी जाती है। युद्ध के मैदान में योद्धाएं योद्धा युद्ध करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं कहीं, तो कनेक्शन किससे होता है? है? सारी सेना का कनेक्शन किससे होता है? कमांडर इन चीफ से होता है। तो कैसे बाप से योग लगाना होता है? तुम शक्ति सेना ये बात सिखलाने वाली हो, तो
तो ये बड़ी है, बाकी तुम भी तो वही हो ना, उसकी बच्चियां हो, मददगार हो, बुझाएं हो, तो तुम्हारी भी महिमा है, उसमें भी तुम्हारी महिमा जास्ती है, क्योंकि तुम लकी सितारी हो। और सितारा तो ये भी है, कौन है सितारा? है कि चंद्रमा है? है, अरे नजदीक है तो सितारा नहीं दिखाई पड़ता है, बड़ा रूप चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और सितारे जितने दूर हैं, अगर इतना ही दूर ये भी हो जाए तो क्या दिखाई पड़ेगा? ये भी सितारा। और ये ब्रह्मा की बेटी, ये भी सितारा है। चंद्रमा और बाप तो फिर वो भी हो गया। उनकी तो चंद्रमा ये हो गई ना, सूर्य की बाप की चंद्रमा तो ये है ना, इस द्वारा प्रजा रची, तो ये बच्ची हो गई। तुम ये मेल होने के कारण फिर इनके ऊपर कलश रखा जाता है, समझा बच्ची? अच्छा टोली खिलाओ बच्चों को, अच्छी तरह से खिलाओ, और फिर मीठा मुख भी हो जाए। आजकल तो आज की दुनिया में जो धर्मराज हैं, जज हैं, वो धर्म के राजा हैं या हज्जाम हैं? वो गवर्नमेंट पूरी नहीं देती है, इसलिए पहले से ही उनके ऊपर ऊंचा रखा हुआ है। फिर ऊंचा जजमेंट देवे ना, तो और भी उनसे ऊंचा रखा है। तो नीचे वाले हज्जाम ठहरे, हज्जाम उनको कहा जाता है जिनमें अकल नहीं होती है, गुस्से में आते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो कोई हज्जाम हो, तुम तो कोई बुद्धू हो। और भैंस बुद्धि किसको कहा जाता है? कहते हैं ना, तुम तो कोई बुद्ध हो, भैंस बुद्धि हो, तुमको ये धारणा करने की बुद्धि ही नहीं है। तो उनको कहा जाता है भैंस बुद्धि। ऐसे होते हैं ना, अभी तो ये सब एक्टर्स हैं, जानते हैं कि जरूर एक्टर्स में कोई तो फिर क्रिएटर है, कोई डायरेक्टर है, प्रिंसिपल भी होगा। तो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार कहा जाता है शिव बाबा।
ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। क्या कराते हैं? गॉड कहा जाता है ना, तो कहते हैं जी माने जनरेटर। तो किसके द्वारा जनरेट करते हैं? हैं? ब्रह्मा द्वारा। विष्णु द्वारा भी कराते हैं। क्या कराते हैं? शंकर द्वारा कराते हैं। अभी देखो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, कब की बात है? अरे वाणी कब की है? 64 की है। तो काई की स्थापना कराई गई है ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों की स्थापना हो रही है। एक कुरी के ब्राह्मणों की स्थापना हो रही या सभी कुरियों की स्थापना हो रही? ब्राह्मणों की भक्ति मार्ग में 9 कुरियां गाई जाती हैं, और धर्म की धारणा करने वाले ब्राह्मण भी कितने कुरी के होते हैं? 9 ही कुरियों के होते हैं। तो इस ब्रह्मा द्वारा 9 कुरी के ब्राह्मणों की स्थापना हो रही है। तो उस शिव बाबा के लिए कहा ही जाता है कराकरण करावनहार। करण करावनहार मनुष्यों के लिए नहीं गाया जाता है। अरे ये तो अहो सौभाग्य की बात है। ये समझ में ये गायन करता रहे सिर्फ, इसको ही षष्ठ चक्र कहा जाता है कि मूल वतन में वो है, सूक्ष्म वतन में वो है और स्थूल वतन में फिर देवताएं। फिर वो देवताएं 84 जन्म भोगते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चक्कर फिरता रहता है। अरे इतना भी याद हो जावे तो भी हो सौभाग्य। मीठे मीठे सिकिल दे ब्रह्मा मुख वंशावली, कैसे कैसे मीठे मीठे सिकिल दे। सिकिल दे माने है? बहुत दिनों पहले मिले हुए। किससे? ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो कौन से ब्रह्मा मुख वंशावली? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा नाम है तो किसके लिए गाया हुआ है? ब्रह्मा बड़ी अम्मा, ब्रह्मा ने बड़ी है। अभी तो प्रजापिता बोला। टाइटल है माँ का, तो माँ में कौन सी विशेष शिफ्ट होती है? सहनशीलता होती है ना। ब्रह्मा नाम तो बहुतों की है। ब्रह्मा का काम करने वाले बहुत हो गए, जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं नंबर बार।
विष्णु की कितनी भुजाएं? विष्णु की चार भुजाएं। और ब्रह्मा, ब्रह्मा कितने होते हैं? है? ब्रह्मा चार होते हैं या पांच होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? पांच होते हैं, परंतु विष्णु की तो चार ही भुजाएं हैं। है? चार भुजाएं हैं, भुजाएं जड़ होती हैं या 100% चैतन्य है? भुजाएं आर्डर पर चलने वाली है या चलाने वाली है? चलने वाली है। उनको चलाने वाला, उनसे कराने वाला कोई और है। तो विष्णु में जो चार भुजाएं दिखाते हैं, जो भुजाएं पुरुषार्थ संपन्न होने से पहले ब्रह्मा थे, ब्रह्मा नामधारी नंबर बार, वो ब्रह्मा करणहार हुए या करावणहार हुए? हैं? करणहार हुए। फिर कराने वाला कौन? पांचवा ब्रह्मा भी है, परंतु वो ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मा नहीं है, क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रैक्टिकल रूप है करणहार और करावणहार का। तो इन सभी ब्रह्मा नामधारियों में से पहले नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? गीता माता। गीता माता भुजा बनेगी। अभी रचना है या रचयिता है? रचना है। ब्रह्मा भी तो रचना है या रचयिता है? रचना है। बाप को रचना नहीं कहेंगे। बाप क्या होता है? रचयिता होता है। तो जो सिकील दे कहा, वो सिकील दे कहने वाला प्रैक्टिकल में कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। सबसे पहले तो वो हुआ, फिर बच्चे हुए नंबर बार। और ये मुरली किन के लिए चलाई जा रही है? हैं? इनके लिए चलाई जा रही है, ब्रह्मा के लिए चलाई जा रही है, ब्रह्मा के फॉलोअर्स के लिए चलाई जा रही है या तुम बच्चों के लिए चलाई जा रही है? तो जो तुम बच्चे हो, वो ब्रह्मा के नौकरियों वाले ब्राह्मण नहीं हो क्या? है? नौकुरियों वाले ब्राह्मण हो या नौकुरियों में से जो सर्वश्रेष्ठ कुरी है उसमें से हो? तो जो सर्वश्रेष्ठ है वो पहले होगी या बाद में? पहले भी थी और अब भी है। तो तुम्हारे लिए बोला मीठे मीठे सिकील दे। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली भी हो या नहीं हो? है? कैसे? है? जो सन्मुख सुनते हैं वो ही ब्रह्मा मुख वंशावली। इससे पहले जब बेसिक में थे तब ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं थे? है? नहीं थे? है?
ओहो वो तो नंबर बार है ना, कोई पक्के ज्ञानी है कोई अज्ञानी है। ब्राह्मण कुलभूषण क्या, जो भी नौकुरियों के ब्राह्मण हैं उनके भूषण है आभूषण, विष्णु को ढेर के ढेर आभूषण दिखाए हैं, उनसे क्या साबित होता है? आभूषणों से श्रेष्ठता साबित होती है या नीचता साबित होती है? सुदर्शन चक्रधारी क्या, नौकुरियों के ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी हैं या कोई स्पेशल है? कितनी कुरियों के हैं स्पेशल है? अरे सुदर्शन चक्रधारी नौ कुरियों में से कौन कौन सी कुरी के सुदर्शन चक्रधारी हैं? हैं? अरे जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया होगा 84 का वो ही सुदर्शन चक्रधारी होंगे, या जिन्होंने पूरा 84 का चक्र ही नहीं लगाया कम जन्म लेने वाले हैं वो सुदर्शन चक्रधारी हुए? अभी बताया ना तुमको कि चक्र को कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, बेसिक में कैसे याद करते थे है? बेसिक में याद करते थे कि नहीं करते थे? अरे टीचर्स बताती थी या नहीं बताती थी? क्या बताती थी? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, इतना ही बताती थी ना है? अब कैसे याद करते हो? तो सुदर्शन चक्रधारी सिकिल दे मीठे मीठे बच्चों प्रति मात पिता का बाप दादा का, ये अलग अलग करके क्यों बताया? बाबा आप कैसे याद करते हैं? और ये भी तो बताइए है, आपने बता दिया बेसिक का, अब आगे का बताइए आप कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी, स्व की परदर्शन, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें तो 900,000 भी आ जावेंगे कि सिर्फ स्व आवेगा है, 9,00,000 भी आ जाएंगे। यहाँ तो नाम ही है स्वदर्शन चक्र, पहले अपना दर्शन करना चाहिए कि परचिंतन करना चाहिए है? पहले अपना चिंतन करना है, तो स्वचिंतन करने के लिए क्या करना पड़े है? स्व की याद करना पड़े, स्व माने मैं आत्मा ज्योति बिंदु, जितना जितना ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकेंगे बीज रूप में टिकेंगे, तो जो बीज रूप में टिकने वाले ज्यादा से ज्यादा टिकेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? बीज सूक्ष्म होता है कि झाड़ सूक्ष्म होता है? और बीज में टिके ऐसे तो झाड़ भांति भांति के होते हैं, कोई का बीज बहुत मोटा होता है, आम का बीज मोटा होता है, और बरगद का बीज बहुत सूक्ष्म होता है। तो सबकी अपनी अपनी स्टेज है बीज रूप में टिकने की, कोई तो आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो अति सूक्ष्म स्टेज में टिक जाते हैं, लंबे समय तक भी टिक सकते हैं,
कोई मोटी मोटी रूप में याद करते हैं, सूक्ष्म बीज रूप स्टेज नहीं बन पाती है। तो बताया कि तुमको कैसे याद करना है, स्व का चिंतन करना है या पर चिंतन करना है, पहले क्या करना है? पहले स्व की आत्मा में जितना टिकेंगे तो जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना ही बीज का विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। विस्तार करने में मेहनत है या सूक्ष्मता में टिकने में मेहनत है? सूक्ष्म स्टेज में टिकने में मेहनत है, विस्तार तो स्वतः ही हो जाता है। ये है तरीका, जितना सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना ही अनेक जन्मों का विस्तार भी होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन है विस्तार, और बीज रूप स्टेज है सार। तो ऐसे शिकिल दे मीठी मीठी बच्चों प्रति मात पिता का, बाप दादा का याद प्यार। ये मात पिता और ये बाप दादा अलग अलग हैं या एक ही हैं? अलग अलग कैसे? मात पिता कौन और बाप दादा कौन है? अरे क्या अंतर है दोनों में? अरे कोई अंतर है या सिर्फ है? बोलने बोलने का अंतर है, क्या अंतर है? कैसे कैसे अलगाव है? हाँ हाँ, कैसे अलग अलग हैं? बाप दादा, हाँ, जगत पिता जगदम्बा, ये हैं सृष्टि के बीज, और बाप दादा। कौन है बाप और कौन है दादा? कंबाइंड है या अलग अलग शरीरधारी हैं? एक ही शरीरधारी, एक ही शरीर में दो आत्माएं। कौन है बाप कौन है दादा? राम वाली आत्मा है बाप, जिसमें शिव बाप ऑलरेडी प्रवेश है, मुकर्रर रूप से प्रवेश है, वो है बाप। और दादा है दादा लेखराज, दादा क्यों दादा? दादा किसे कहा जाता है? दादा कहा जाता है बड़े भाई को। कैसे है बड़े भाई? है यज्ञ के आदि में वो था क्या है? बड़ा भाई कैसे? हेलो, ऐसे ही बोलते रहते बाप दादा। चलो बाप तो समझ में आ गया कि 84 जन्म लेने वाले बाप में मनुष्य सृष्टि के बीज में सुप्रीम सोल निराकार बाप शिव प्रवेश करते हैं तो वो बाप है। फिर दादा कैसे? हाँ, जो भी 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है उस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पत्ता कौन है? दादा लेखराज। वो बाप तो नहीं है, क्या है? भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाइयों में से है। पत्तों का बाप है या पत्ता है? पत्ता है, लेकिन पहला पत्ता है।
वो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज कृष्ण की सोल क्या हो गई? दादा हो गई। कहते हैं ना दादागिरी मत दिखाओ, हैं? भागवत में, महाभारत में बाप दादा किसको दिखाया है? बलराम दादागिरी दिखाता है कृष्ण के ऊपर, दिखाता है या नहीं दिखाता है? दिखाता है। तो वो दादा है, अभी भी दादागिरी दिखाई रहा है या नहीं दिखाई रहा है? हैं? कैसे है? क्या साबित करता है, मैं बड़ा है या तू बड़ा? कौन कहता है मैं बड़ा है? दादा लेखराज वाली आत्मा अभी भी क्या समझे बैठी है, मैं बड़ा? कैसे बड़ा? मैं गीता का भगवान, मेरी भगवान के रूप में शास्त्रों में 63 जन्म की यादगार है, तेरी तो नहीं है। तो शास्त्रों में जो भी यादगारें हैं कहाँ की है? है? कैसे? संगम युग में कैसे? संगम युग में 9 कुरियों में से जो 8 कुरी के ब्राह्मण हैं अभी, उनकी संख्या ज्यादा है या पहली कुरी की संख्या ज्यादा है? 8 कुरियों की संख्या ब्राह्मणों की ज्यादा है, और वो क्या समझे बैठे हैं कि गीता का भगवान कौन है? दादा लेखराज की आत्मा। तो भक्ति मार्ग में द्वापर कलयुग में जो गीता का भगवान कृष्ण ठोक दिया है, वो पहली कुरी वालों ने ठोका होगा या बाकी के 8 कुरियों वालों ने ठोका होगा? 8 कुरियों वालों ने ठोका है और अभी भी उसी बात पर काबिज है। किस बात पर? कि गीता का भगवान कृष्ण है। इतना बड़ा हुजूम लगा हुआ है पीछे से, तो जल्दी मान लेगा क्या? तो दादागिरी है या नहीं है? नाम दिया बाप दादा, मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद और प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्यों रूहानी बाप क्यों नमन करता है, क्यों सर झुकाता है? अरे ये बुद्ध रूपी सर रूहानी बाप क्यों झुकाता है? बाप दादा माता पिता क्यों नहीं झुकाते है? हाँ, वो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, जो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है उनका मान सम्मान से कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए आते ही कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये राम और कृष्ण वाली आत्मा ऐसे करेंगी? करेंगी नहीं? ओम शांति।